हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कीवर्ड को ऐड करते हैं, और उसके अलावा ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पोस्ट में और पेजेस में कीवर्ड्स ऐड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर, हम तो कीवर्ड्स तो ऐड करते हैं बट हमारा वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक नहीं कर रहा है। तो रैंक क्यों नहीं कर रहा है वो भी मैं रीजन बताऊंगा। उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि टूलिंग वेबसाइट में कैसे कीवर्ड्स ऐड करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने लेफ्टर स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए गाइस, मैं अपने लेफ्टर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली सर्च करें कन्वर्ट मास्टर टूल। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे वेब डेवलपमेंट टूल में। यहाँ पे प्री मेटा जनरेटर है, इस पे क्लिक करेंगे। सेम टूल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, एसईओ टूल। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा इसका इंटरफेस। आप नीचे आ जाएंगे या फिर आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम टूल है, आप जिस पे भी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं यूज। यहाँ पे इसको 3 times ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। और यहाँ पे विदाउट साइन अप आप कितना भी पे मेटा टैग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे साइट टाइटल, जैसे कि आपके वेबसाइट का एक साइट टाइटल होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं किसी एक वेबसाइट को ओपन करके, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया पे मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इनका कोड्स है वो सारे के सारे आ चुके हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कोड वाला सेक्शन है वहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, ये वाला जो है टाइटल है यहाँ पे। इसी तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए टाइटल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे। सपोज कि देखिए यहाँ पे जो टाइटल है वो 70 कैरेक्टर्स है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन 150 तक आप लिख सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ तक डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं एक आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से हर वेबसाइट में मेटा रहता है। और आपके वेबसाइट पे अगर मेटा नहीं रहेगा, मेटा टैग्स नहीं रहेंगे, तो आपका जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं वापस से आ जाता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो इनका काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 150 से ज़्यादा है। तो आपको 150 तक ही रखेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये सारे कंटेंट में नहीं दिख। यहाँ पे अभी कीवर्ड्स में अगर आएंगे तो कीवर्ड्स आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं कीवर्ड, देखिए कीवर्ड्स है यहाँ पे। देखिए न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आप 3 से ज़्यादा कीवर्ड्स रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो कीवर्ड्स है वो कम होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड्स रखेंगे कॉमा करके रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे अलाउ बोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, मतलब जो हमारा टैग रहेगा, इंडेक्सिंग का टैग रहेगा। बहुत लोग इसका नो कर देंगे तो कभी भी बोट्स आके चेक ही नहीं करेगा उनके वेबसाइट पे, इसलिए इसको यस ही रखना है। यहाँ पे देखिए अलाउ बोट टू फॉलो द ऑल लिंक्स, मतलब जो बोट को सारे लिंक को फॉलो करने दो, रीड करने दो, ठीक है। और UTF जो 8 होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो देखिए UTF-8, ठीक है। तो इसको हम कॉम्पेटेबल करेंगे कि जो जिसका डिस्प्ले हो UTF, मतलब बहुत अच्छे से जो वेबसाइट दिखे, इसके लिए यहाँ पे डालते हैं। और कंटेंट जो आपका कौन से लैंग्वेज में है वो सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इंग्लिश है या कौन सा लैंग्वेज है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन शुड बी रिविजिट द पेज आफ्टर, मतलब जो सर्च इंजन है जैसे कि बोट्स है वो कितने टाइम में रिविजिट करने चाहिए। यहाँ पे डेज वाइज आप यहाँ पे 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं आपके हिसाब से। और ऑथर, जैसे कि ऑथर का नाम क्या है, जैसे कि इस वेबसाइट का कौन ऑथर है, जैसे कि मैं देवेंद्रा यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे जनरेट मेटा टैग। देखिए यहाँ पे आपका मेटा टैग पूरी तरह से जनरेट हो चुका है। अभी आपको इसको कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरा ये कॉपी हो गया, और सिंपली आपको चले जाना है आपके वेबसाइट में यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना अपीयरेंस एंड थीम फाइल एडिटर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा थीम फाइल एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी हमको सर्च करना है, जो भी आप थीम यूज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और आपको चले जाना है हेडर सेक्शन में, header.php। header.php सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है हेडर। हेडर देखिए यहाँ पे है हेडर, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
आपको हेडर सेक्शन में सारे कोड डाल देना है। क्यों डाल देना है? क्योंकि हमको बोट्स को बताना है कि ये जो softwarehope.com है ये सारे कीवर्ड्स पे काम करता है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें जब भी कोई सर्च करेगा तो softwarehope.com पहले आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें softwarehope.com कर रहे हैं। एक वेबसाइट किसी का भी हो सकता है, कौन सा भी वेबसाइट हो सकता है, सिर्फ आपको करना है क्या चेंजेस, टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको चेंज करना है और आपके वेबसाइट के हिसाब से। गाइस अभी ये हो गया हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे कीवर्ड्स ऐड करें, ठीक है, कैसे मेटा टैग ऐड करें, ये सारी चीजें हो गई। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग पोस्ट में कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अभी हम एक देखिए मेरा वेबसाइट है जो डम्मी वेबसाइट है फोन नाइन करके, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ हाउ टू यूज योस्ट SEO, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एडिट करेंगे। अभी यहाँ पे मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ SEO के लिए वो योस्ट SEO है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा रैंक मैथ SEO जो टूल है, प्लगइन है, उसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कौन सा अच्छा है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने एडिट किया, जैसे मैं एडिट किया यहाँ पे आप चले आएंगे योस्ट SEO पे, फोकस की फेस देखेंगे तो यहाँ पे एक ही डाल सकते हैं, मतलब कीवर्ड्स जो है एक ही डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करो एड रिलेटेड की फेस, कोई भी वेबसाइट या कोई भी पेज, कोई भी टूल एक से ज्यादा मतलब 3-4 कीवर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो योस्ट SEO है यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है, आपको प्लगइन को अपडेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे और भी कीवर्ड ऐड कर सके। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके और भी ऐड करने जाऊं तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल की फेस शुड बी एड देम सेपरेटली बिलो, मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल की फेस है उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा ऐसा बोल रहा है। अभी हम यहाँ पे ऐड करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ रैंक मैथ SEO का, यहाँ पे मैं जाता हूँ कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला पोस्ट ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ। इस वाले वेबसाइट में मेरा रैंक मैथ इंस्टॉल है, यहाँ पे देखिए रैंक मैथ का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फोकस की फेस जो होता है, जो फोकस कीवर्ड है यहाँ पे एक ऐड किया है। अगर मैं चाहूँ तो और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फंड राइजिंग सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे मैं और डाल देता हूँ एक फंड और इंटर करता हूँ। जैसे देखिए मैंने एक कीवर्ड और डाला तो यहाँ पे ये और ग्रीन हो चुका है और ये 92% तक चला गया, अगर मैं निकाल दूँ तो देखिए 87 होता है, ठीक है। यहाँ पे फंड और यहाँ पे कीवर्ड्स को सजेस्ट भी करता है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप आर्टिकल में कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, बट आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा SEO टूल आप यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप योस्ट SEO यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि ऐड कर सके 2-4 कीवर्ड्स। अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो वहां पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। गाइज अभी हमने देख लिया किस तरह से हम अपने ब्लॉग में कीवर्ड्स ऐड करते हैं, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जो टूल्स वेबसाइट है, जो टूल्स हैं उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने VS कोड को ओपन रखा है और यहाँ पे एक कीवर्ड्स ऐड करके रखा है। गाइज अभी मैंने दिखाया था कि मेटा टैग कैसे जनरेट करते हैं, अभी मैं इसी टूल के लिए मैं एक कीवर्ड जनरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको उसका SEO करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं VS कोड पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि किस तरह से आपको कीवर्ड को जनरेट करना है और SEO को इम्प्रूव करना है आपके टूल के लिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ स्पेसिफाई द करेक्टर एंड कोड ऑफ एस्टिमेट डॉक्यूमेंट, मतलब जो ये सारी चीजें हैं ये बताता है कि आपका जो कोड है वो HTML फॉर्मेट में है। जैसे कि आप कोई टूल बनाए हैं अगर HTML फॉर्मेट में है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये वाला जो कोड है लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है कि ये कौन से लैंग्वेज में आपका टूल है। ये वाला जो कोड है एक कॉम्पेटिबिलिटी को डिफाइन करता है कि ये आपके ब्राउजर में कौन से में ब्राउजर में सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, इसको ऐड करना है। और नेक्स्ट वाला है व्यू पॉइंट्स, मतलब इस सारे डिवाइसेस में आपका जो व्यू होता है वो प्रॉपरली दिखे करके एक कोड है, ठीक है। ये सारे कोड्स आपको आपके टूलिंग वेबसाइट जो टूल है उसके अंदर ऐड करना है, चाहे जो भी आपका जो टूल हो उसके अंदर ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम SEO टाइटल, जो हमारे टूल का टाइटल होता है यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो टूल है क्या क्या चीज करता है, मतलब क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक मेटा टैग, जो बेसिक मेटा टैग ये होता है कि सबसे पहले आपको साइट नेम डालना है, भले आपका कौन सा भी टूल होने दो उसके अंदर आपका साइट नेम आना चाहिए। जैसे कि
कंटेंट क्या होना चाहिए, साइट का नाम, जैसे कि कोई भी वेबसाइट का नाम हो सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, टूल से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन डालना, जो टूल है आपका, जो टूल आपने बनाया है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए मेटा टैग, एसईओ टैग, ऑनलाइन मेटा टैग जनरेटर, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स आपको डालने हैं, आपके कोई भी टूल है उससे रिलेटेड सारे टूल्स का जो कीवर्ड्स आते हैं उसको डालना है। उसके बाद हमारा जो ऑथर नेम, मतलब इस टूल को किसने बनाया है, जैसे कि मैं ऑथर यहाँ पे डालना है, ऑथर में देखिए देवेंद्र गुप्ता मैंने डाला है मेरा नाम, उस तरह से आप आपका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो सोशल मीडिया शेयरिंग्स होते हैं उसमें क्या क्या शेयर होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाएगा तो किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे देखिए टाइटल में देखिए ये पूरा टाइटल जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है सेम यहाँ पे आ रहा है। वैसे यहाँ पे साइट नेम, जो साइट नेम यहाँ पे मैंने मेंशन किया वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये वेबसाइट का मतलब कौन सा कंटेंट है, कौन से टाइप का वेबसाइट है, यहाँ पे कंटेंट देखिए ये वेबसाइट है इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद वापस से डिस्क्रिप्शन आएगा, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा क्योंकि हम इसको शेयर कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे तो उसमें शॉर्ट होके जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बता रहा है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए, उस टूल से रिलेटेड आपको इमेज डालना है। जैसे कि हम कोई भी इमेज को डिस्क्राइब करते हैं कि ये टूल क्या करता है, उस हिसाब से आपको इमेज बनाना है और वहाँ पे इसको भी और उसका लिंक यहाँ पे डाल देना है। सेम यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक भी डालना है, जैसे कि यूआरएल क्या है उस कंटेंट का। उसके बाद यहाँ पे कॉनिकल जो हमारा यूआरएल होता है वो भी मेंशन करना है, सेम यूआरएल कॉनिकल में डालना है क्योंकि कभी कभी हमारा जो एसईओ है डबल डबल कॉनिकल्स बना देता है, अलग अलग टैग जनरेट कर देता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट जरूर मेंशन करें कि जो हमारा स्कीमा होता है, स्कीमा ORG, आपको पता ही होगा स्कीमा बहुत ही मैटर करता है। कोई भी गूगल सर्च में अगर कुछ सर्च कर रहा है तो स्कीमा के थ्रू वो बहुत जल्दी रैंक करता है। यहाँ पे देखिए स्कीमा भी ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, ये क्या है वेब पेज है, नेम क्या है वेब पेज का, ये जनरेटर है, उसके बाद URL क्या है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर कौन है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इस तरह से आप भी मेंशन कर सकते हैं, आपको सिर्फ चेंज करना है जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, नेम है, ये सारी चीजें आपको चेंज करना है। ये सारे कोड को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आपको सिंपली ये सारी चीजें को चेंज करना है, आप यहाँ पे इजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने जो टूल है उसके अंदर मेंशन करना है, चाहे जो भी टूल हो आप इजीली आपको ये हेडर सेक्शन में आपको सिंपली एक कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। और सिंपली आपको चेंजेस क्या करने हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हुआ, टाइटल हुआ, उसके बाद ऑथर नेम हुआ, कीवर्ड्स हुए, ये सारी चीजें आपको खुद से चेंज कर लेना है। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो आप PNG डालने वाले हैं, जो इमेजेस डालने वाले हैं वो आपके वेबसाइट से लिंक होना चाहिए, आपको अपने मीडिया में इसको अपलोड कर लेना है और उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस जहाँ पे भी ये शेयरिंग होगा, ये टूल जहाँ पे भी ये शेयर होगा उस इमेज के साथ साथ आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो भी जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Now and press the bell icon.